हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं नाइफ टूल के बारे में। तो नाइफ टूल को जानने के लिए सबसे पहले एक क्यूब ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करके एस दबा के स्केल कर लेते हैं। अब चलते हैं एडिट मोड में, टैब दबा के एडिट मोड में आएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नाइफ टूल मिलेगा। मैं जैसे ही के दबाऊंगा मेरा नाइफ टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं जब तक ये नाइफ रहेगा तब तक कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाइफ को हटाने के लिए एंटर बटन दबाएंगे। और ऑब्जेक्ट को पूरे को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ए दबा के इसको पूरे को सेलेक्ट कर सकता हूँ और ऑल्ट ए दबा के इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको डीसेलेक्ट रखता हूँ और के दबाऊंगा और नाइफ टूल को एक्टिव करूंगा। तो अभी आप देखेंगे चाहे मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चाहे ना हो, मैं इसमें कट लगा सकता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं एक पर्पल कलर की लाइन है जो इसमें कट लगा रही है। अब जैसे ही मैं इसमें कट लगा रहा हूँ ये पर्पल लाइन यहाँ से हट नहीं है। इसको हटाने के दो तरीके हैं। अगर हम एस्केप दबाएंगे तो ये पूरी की पूरी लास्ट तक की लाइन को यहाँ से हटा देगा। दोबारा से नाइफ टूल को के दबा के एक्टिव करते हैं और अब यहाँ पे एक कट लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है सिर्फ यहीं से ये हटे, तो ई वाला बटन दबाऊंगा और ये यहाँ से हट जाएगा। बाकी ये जो पोर्शन जो पर्पल लाइन दिखा रहा है ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि इस एरिए में अभी कट लग सकता है लेकिन अभी कट लगा नहीं है। तो उसके लिए मैं एंटर बटन दबाऊंगा। तो मैं एंटर बटन दबा देता हूँ और आप देखेंगे कि इसमें जो कट है वो मेरा लग चुका है। अगर मैं नाइफ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, ऑक्लूड ज्योमेट्री और ओनली सेलेक्टेड। कंट्रोल जेड दबाते हैं। अगर मैं ऑक्लूड ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ और कोई कट लगाता हूँ और ई दबाता हूँ और एंटर मारूंगा तो अभी आप देखेंगे कि ये जिस एरिए में मैंने केवल कट लगाया है केवल उस एरिए में ये उसको काट रहा है। कंट्रोल जेड दबाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट तक के एरिए को कट कर दे, इसको मैं टिक को हटाऊंगा यहाँ से। और अब मैं अगर इस पर टिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ ई बटन दबा के एंटर मारूंगा तो अभी आप देख रहे हैं कि इसने पूरे के पूरे हिस्से को काट दिया है। तो जब ऑक्लूड ज्योमेट्री पे टिक रहेगा जिस ज्योमेट्री पे मैं ये कट लगाऊंगा केवल वही ज्योमेट्री पे ये कट लगेगा। अब ये ओनली सेलेक्टेड इसमें दूसरा ऑप्शन है। अगर मैंने इस ओनली सेलेक्टेड को यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसको एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस क्यूब में मुझे कोई ना कोई पार्ट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पहले सिलेक्शन बॉस को सेलेक्ट करता हूँ और एक फेस पे क्लिक करके यहाँ से एक फेस को क्लिक कर लेता हूँ। और अब मैं अगर इसमें नाइफ टूल को एक्टिवेट करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से इसमें कट लगा सकता हूँ केवल उसी एरिए में जिस एरिए को मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसमें कट लगाने की कोशिश करूंगा तो वो कट मेरा अप्लाई नहीं होगा। तो ओनली सेलेक्टेड का मतलब है कि जिस एरिया में मैं सेलेक्ट करूंगा केवल वहीं पे वो कट काम करेगा। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के मैं ये ओनली सेलेक्टेड हटा देता हूं। तो अभी मैं इसमें अगर कोई कट लगाता हूं तो अभी आप देख रहे हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सीधे मेरे को कट लगाने के लिए अप्लाई हो तो उसके लिए मैं सी दबाऊंगा और आप देखेंगे कि एक लाइन बन जाएगी। अब मैं इस लाइन के थ्रू जाके बिल्कुल सिंपल तरीके से सीधा कट लगा सकता हूं। और एक चीज का विशेष ध्यान रहेगा, अगर मैं इस माउस को चारों तरफ घुमाऊंगा तो ये लाइन 45 डिग्री पे घूमने लगेगी। तो हमेशा कभी भी अगर आपको सीधा कट लगाना है तो सी दबाएं और आप उसमें सीधा कट अप्लाई कर सकते हैं। एंटर दबाते ही वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो फेस बन चुके हैं। कंट्रोल जेड दबा देते हैं। तो ये तो था हमारा नाइफ टूल। अब आते हैं इसमें सेकंड टूल में बाइसेक्ट पे। अब ये बाइसेक्ट क्या है? अभी तो आपने देखा कि ये इसकी ज्योमेट्री को इधर से उधर काट रहा था लेकिन अभी ये जो बाइसेक्ट है ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को खत्म कर देगा। बाइसेक्ट टूल अप्लाई करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना ही होगा। तो उसके लिए मैं ए दबा के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। और मान लीजिए अगर मुझे इसमें ऐसे करके एक कट लगाना है तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके खींचूंगा और यहाँ पे ये कट अप्लाई हो जाएगा और ये एक मेरे पास में एक हैंडल और एक सर्कल बन जाएंगे। इस हैंडल से मैं ऊपर नीचे करके इस कट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ और इस सर्कल से इस कट को घुमा सकता हूँ इसके
चारों तरफ। और साथ ही में नीचे की तरफ एक विंडो दिखाई देगी आपको, इस विंडो से मैं इसमें प्रॉपर्टीज मैनेज कर सकता हूं। अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड पॉइंट पे ये वाला जो इसका राउंड है इसको घुमाना चाहता हूं, तो इसमें एक्स पे वाई पे और जेड पे घुमा सकता हूं। प्लेन नॉर्मल्स, अगर मैं इसमें जो मेरा ये जो हैंडल है वो इसमें एक्स वाई जेड पे घुमाना चाहता हूं, तो मैं एक्स वाई जेड पे घुमा सकता हूं, या हम डायरेक्टली इसको पकड़ के घुमा सकते हैं। अब इसमें मेरे सामने कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा। सबसे पहले क्लियर इन, क्लियर इन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये उसके नीचे के हिस्से को कट करके दे देगा। और साथ ही मैं चाहता हूं कि ये एरिया अगर फिल करना है तो मैं इसे यहां से फिल कर सकता हूं। और अगर मैं चाहता हूं कि ये इसके ऊपर वाले हिस्से को काटे, तो ये मैं ऊपर वाले हिस्से को यहां से क्लियर आउटर पे क्लिक करके ऊपर वाले हिस्से को काट सकता हूं और यहां से इसको फिल कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसका सिंपल एक प्लेन रह जाए, तो मैं तीनों पे क्लिक करूंगा और ये इसमें सिंपल जितना हिस्सा मैंने काटा है उतना एक प्लेन मुझे दे देगा। तो फिलहाल मैं इन तीनों को अनचेक कर देता हूं। इसमें सबसे नीचे एक्सिस थ्रेशहोल्ड आपने को दिया हुआ है, एक्सिस थ्रेशहोल्ड को समझाने के लिए मैं इसमें एक सिलेंडर ले लेता हूं, स्केल करके थोड़ा सा बड़ा करूंगा। चलते हैं एडिट मोड में। अगर मैं इसमें तिरछा करके इसमें बाइसेक्ट अप्लाई करता हूं, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो वर्टिसेस हैं उसके बीच में मैंने ये अप्लाई किया। वर्टिसेस मैं ऑन कर लेता हूं। अब ये जो एक्सिस थ्रेशहोल्ड है ये क्या काम करता है, मान लीजिए मैं इसका आउटर हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा यहां से डिलीट कर देता हूं और इसको फिल करता हूं, और अभी आप इसमें देखेंगे कि इसने इसको यहां तक वर्टिसेस जो था इस वाली वर्टिसेस को कट किया है। तो एक्सिस थ्रेशहोल्ड से मैं इस पॉइंट को यहां तक मूव कर सकता हूं, यहां तक या यहां तक मूव कर सकता हूं बड़े आराम से। कैसे देख लीजिए, अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा देखेंगे आप इसको, इसने यहां से लेके और उसके नेक्स्ट वर्टिसेस को मूव कर दिया है। तो एक्सिस थ्रेशोल्ड मोस्टली जहां पे आपने कट लगाया है उसके दूसरी तरफ अगर आपको वो कट ले जाना है उसके पास वाले वर्टिसेस पे, तो ये थ्रेशहोल्ड्स के थ्रू हम उसमें ले जा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि थ्रेशहोल्ड से ये जो हमारा कट है वो कैसे मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये एक्सिस थ्रेशहोल्ड यूज कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको गलती से कहीं अलग कट लग जाता है तो हम उसको इसके हेल्प से उस वर्टिसेस तक ला सकते हैं। तो ये थे हमारे नाइफ और बाइसेक्ट टूल। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पॉलीबिल टूल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।